और यहाँ पे ये मेरा रहा गर्म सूट। अभी मैं बाहर जा रही तो सोच रही हूँ कि यही वाला ड्रेस पहन लूँ, और क्योंकि ये पिछले साल ली थी, अभी तक नहीं पहना, तो हस्बैंड आया हुआ तो सोचा कि, और बाहर जा रही हूँ तो सोचा यही पहन लूँ। देखते हैं ये पहनते या कोई और। अभी हम रेडी होने के बाद मिलते हैं आपसे। हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सपो झारखंड ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बस मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा कि रेडी होकर आप सबका वेलकम करती हूँ। ये सूट काफ़ी मतलब साल भर पहले ली थी और रखा हुआ था, तो आज हस्बैंड के साथ जा रही हूँ बाहर घूमने, तो यहाँ पे ये वाला सूट मैंने डाल लिया है। और ये हम सबका न्यू घर, तो इसके बारे में कभी और सब और बताएंगे कि क्यों एक्सचेंज किए, मतलब क्यों एक्सचेंज किए घर, तो ऐसा है। और अभी खैर मीना बाज़ार जा रही हूँ, हमारे घर में सभी लोग जा रहे हैं, हस्बैंड कल से आए हुए तो कल चले जाएंगे, तो सब मीना बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पे खिचड़ी मेला जो होता है ना, खिचड़ी मेला, उसके कारण खिचड़ी मेला के दिन, मतलब कल था खिचड़ी मेला, तो कल ही ओपनिंग हुआ है मीना बाज़ार का। और आज मैं जा रही हूँ, आज 15 जनवरी 14 जनवरी की खिचड़ी मेला होता है, तो आज 15 जनवरी, तो आज हम लोग जा रहे हैं और कल हस्बैंड भी चले जाएंगे। तो सोचा कि चलो, हस्बैंड आया तो मौका भी है, दस दिन भी है, चलना चाहिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, सभी कोई रेडी हो गए हैं। और ये रही मेरी बेबी, ये भी बिल्कुल रेडी है, अम्मी भी रेडी हैं, सभी रेडी हैं, बस चलो चलते हैं और मुफ्त में आप सबको मज़ा दिलाएंगे मीना बाज़ार का। चलो, और अयान यहाँ पे पापा का जैकेट कैप संभालते हुए कैप गिरा दिया। पापा से डांस सुनोगे तुम? हाँ, मेरे बच्चा। रही में बज रहे हैं 6:30 और अभी निकल रही हूँ मैं। वैसे ठंड बहुत है पर बेबी गाड़ी में जाना है, तो बेबी को गाड़ी में लेके जाऊंगी। और भी है, बेबी को लपेट दिए, बेबी का फुल सेफ्टी, बिना सेफ्टी के नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलो भाई। तो भाई फाइनली सब घर से बाहर आ गए हैं और अभी जा रहे हैं। और पता नहीं, मेरे हस्बैंड को हमेशा जल्दी रहती है और अम्मी पता नहीं हमेशा की तरह गुस्सा ही करती रहती है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पता नहीं क्यों। 6:30 वैसे हो गया, हस्बैंड बोल रहे कि आके हम चले जाएँ, लेकिन मेरा जिद है कि हम हस्बैंड को नहीं जाने देंगे, क्योंकि 24 घंटे के बाद कौन सी बीवी इजाज़त दे देगी अपने हस्बैंड को बाहर जाने के लिए? हम तो नहीं दे सकते, नहीं जाने देंगे चाहे जो भी हो जाए। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, हस्बैंड गुस्सा भी करेंगे, पता नहीं किधर है। बेबी को लेके जा रही है यार, इतनी ठंड में जाना चाहिए या नहीं, सही डिसीजन है या नहीं, मुझे नहीं पता। हस्बैंड पता नहीं किधर चले गए हैं, हम लोग को पता नहीं गाड़ी किधर लगाए हैं, और हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं अपने हस्बैंड को रोड पे आके। अम्मी को वीडियो बनाने से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, अम्मी वीडियो आपसे कहाँ मांग रहा है, फीस मांग रहा है का वीडियो बनाने का कुछ भी अम्मी, ठंड लेकिन काफ़ी ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। भाई चलो चलो चलो, सब अंदर चलो, आयान हमको आगे नहीं बैठने, और पीछे जगह नहीं है तो हमको आगे ही बैठना पड़ेगा। चलो चलो, आयान का रिएक्शन देखते हैं। आज जगह नहीं बेटा, चलो चलिए। आयन का पापा, जीजू का मूड पूछो पहले कैसा है। आयन का पापा गुस्सा में है? हाँ नहीं है भाई गुस्सा में, चलो इतना फर्ज बनता है, बीवी बच्चे को घुमाना, साली को घुमाना है कि नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, घुमा दो पिया। सच में आयन के पापा, ये दिल के अरमान मेरा भी है, घुमाइएगा। हाँ कुछ नहीं बोल रहे भाई, यार इतना रोड में जाम है, सब ये सब लोग मेला जाने वाले हैं, जाने वाले, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, और ये देखो यही भाई आ गए, भाई आ गए, चलो आ जाओ। वाह बड़ा झूला स्टार्ट होने वाला, शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा, बहुत मजा आता है। ये देखो पूरा ही दिख रही है, जाओ, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अंदर चल के देखते कि कैसा लग रहा है, बाहर से बहुत ज्यादा अच्छा खूबसूरत सा गेट बनाया हुआ, अभी अंदर चलते हैं। रानी कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, अभी तो अपनी मासी होने का ड्यूटी निभा रही है। चलो भाई चलते हैं अंदर, भाई फोटो तो नहीं, फोटो शोटो सब लोग खिंचवा रहा, काफी अच्छा सेटअप किया हुआ है। ये देखो पूरी एंट्री है, ये अभी मैं जा रही हूँ टिकट कटवाने, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 छह लोगों का टिकट लेना है। और देखो अभी आयान को पकड़िए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है अभी हम टिकट लेते हैं, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी, और हमको लगता है टिकट काफी ज्यादा महंगा होगा, देखते हैं क्या है। ये है भाई टिकट काउंटर, यहाँ से हम ले सकते हैं ऐसे टिकट, अंदर लेडी है जेंट्स भी है, सभी लोग टिकट दे रहे हैं। ये मिल गया टिकट, कैसे ये सब क्या प्राइस भैया? कोई भी लो 50, और इयर रिंग का
अलग अलग है। तो गार्डर हमने ले लिया, गार्डर से बाल भी बना लिए क्योंकि बाल खुले रहते तो काफी ज्यादा उलझते। वैसे भी मैं दिखाती हूँ, अभी लगा भी नहीं। हाँ अभी काफी ज्यादा दुकानें अभी ऐसी है, बना भी नहीं है, बहुत ज्यादा सारी चीजें की दुकान है यार। जी दिल कर रहा उस बड़े वाले झूले पे, अच्छा लगे ब्रेक डांस उस पे जाना, ब्रेक डांस पे चलो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा ठीक है, बड़े वाले पे बैठेंगे। इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोलूं, कैसे शूट करूं, बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारा क्राउड है। देखो ये देखो, कहाँ चलना है आपको? आपको कहीं नहीं जाना है ट्रेन? अच्छा आप ट्रेन पे चल सकते हैं, ट्रेन में भी नहीं जाने वाले। ये रीदा भी बहुत ज्यादा खुश है, पूरी लाइटिंग वगैरह देख के। ये देखो अयान, रीदा देखो, रीदा कैसे हंस रही है, बहुत खुश है वो। देख के कसम से डर लग रहा है, मुस्कान बहुत डर लग रहा है। भीड़ तो बहुत ज्यादा, कल ही ओपनिंग था, आज कल भी बहुत ज्यादा भीड़ होगा, आज भी बहुत भीड़ है। और हस्बैंड ले रहे उधर टिकट, और अभी हम लोग जाने वाले इस झूले पे, सबसे बड़ा मेले का सबसे बड़ा झूला। का दुखी हो रहा है, इसीलिए हस्बैंड को भेजा अभी टिकट काटने के लिए, टिकट लेने के लिए। अच्छा भाई अभी हम लोग भी जाने वाले, इसीलिए पूछ रहे हैं। मजा आएगा क्यारी में यार, अंदर आ गई हूँ टिकट वगैरह लेके, अभी कतार में लगी हुई हूँ। अभी देखो डर लग रहा, बहुत ज्यादा डर लग रहा, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुस्कान हमको तुमको डर नहीं लग रहा, बैठेंगे। हाँ सभी को डर लग रहा भाई, चलो चलो, डर लग रहा है यार नीचे देखने में, बहुत डर लग रहा, बहुत ज्यादा डर लग रहा। ऊपर आके अभी टंगी हुई हूँ, नीचे काफी जा रहे इस झूले पे, ठीक है अम्मी बैठी हुई पे, और यहाँ पे डिसाइड हो रहा कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा। तो अभी हम और गुड़िया जा रहे हैं इस पे। हाँ हाँ हमारा इंतजार करना, हम जल्दी से आते हैं उधर से, ठीक है। बैठ गई हूँ और ये स्टार्ट भी हो गया है, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है रियली, बहुत अच्छा लगता है मुझे इस, मतलब इस झूले पे बैठना। अल्लाह मजा आ रहा है।
एकदम ठीक है। चलो भाई झूला खत्म हो गया, आप चलो। उतरने में बहुत ज्यादा डर लगता है हमको, क्योंकि ये रुकता नहीं, हिलता ही रहता है। और फिर मम्मी मम्मी बहुत मजा आया, जाना आपको। रीदू को तो झुलाने लायक कोई झूला है ही नहीं कि झुलाया जाए, रीदू सिर्फ लाइट एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लेचर मिल रहा था, तो मैंने सिर्फ क्लेचर और गाटर ले लिया। अरे आप ये इसको डर लग रही, बोले ना हार्ट अटैक हार्ट अटैक, तो लास्ट में हम लोग बोले बंद करो वो सुन ही नहीं रहा है आयान को। हार्ट अटैक और लगता था ऊपर जाने का। मजा आया भाई ये लोग। अच्छा क्या हो गया था आयान, आयान से पूछ ले दो। सर घूम रहा है, उनका हालत खराब है, गिर रहे आयान काफी डर गया। बोलना पड़ा कि बंद करे। ओह चलो भाई अब हम लोग चलते हैं घर, घर चलना है ना। चलो लोग बस निकल रहे हैं, घर चल रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे घर चलेंगे। और ये देखो रीदू अपने पापा की गोद में। और यहाँ पे हम लोगों ने ली पेस्ट्री और हमने खाई रोल, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता मुझे तो ये। उसके बाद हमने गई जलेबी लिया, जलेबी ये जलेबी और जैसे मार्केट में मिलता वैसा नहीं था, इसमें पार्ले जी बिस्किट ऐड किया था, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें। और ये लोग अभी आइसक्रीम ले रही है और हम तो खा नहीं सकते, आयान भी नहीं खा सकता क्योंकि आयान की भी तबीयत ठीक नहीं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, मेरे वजह से दीदू का तबीयत खराब हो गया। जो दिलवारे भाई ले लो ना, तो वो भी ना मिल पाएगा। कौन वाला आइसक्रीम है देखे, पीला वाला। ये कितना चाहिए? अच्छा ज्यादा ठंडा। हम लोग नहीं, रानी खुश, मुस्कान खुश, आयान का भी मूड खराब, मेरा भी मूड खराब, मेरा तो नहीं लेकिन हम समझ, मतलब आयान का काफ़ी ज़्यादा मूड खराब हो गया। आयान नहीं ले सकता और हम भी नहीं ले सकते, हम तो बोल भी नहीं सकते, वरना आयान तो डांट सुना, मुझे तो थप्पड़ पड़ जाएगा भाई। मुझे भी खाने का मन कर रहा है लेकिन खा नहीं सकते, मत ऐसे दिखा कर खाओ प्लीज़। अच्छा लग रहा है ना, ठंडा खाने का मजा ही कुछ और है। सच बात है, लेकिन हम लोग नहीं खा सकते। रीधा को लचा रही है, देखो बेटा अल्लाह अल्लाह मत कर, बच्चा मुस्कुरा रही है मेरा। अल्लाह उसके मुंह से पानी आने लगेगा, वैसे मत कर। चलो चलो भाई अभी हम लोग घर जा रहे हैं भाई। और मेरी रीदू जब से आई हूँ लगभग 2 घंटा होने वाला है, बिल्कुल इसको ना नींद है और ना ही मतलब रोना धोना, यहाँ मम्मा चाहिए। अल्लाह की अम्मी गिर चुकी, अम्मी पकड़ो। अल्लाह बच्चा मेरा, काफी लाइट वगैरह सब देख रही है अम्मी, माशाल्लाह। यार बहुत अच्छा सेटअप लगा रखा, अंदर भी काफी मजा आया। और यहाँ पे मेरा मूड खराब हो गया क्योंकि हस्बैंड जाने की बात कर रहे थे, इसलिए गाड़ी लगाने का मसला हो गया है। ऑलरेडी कोई गाड़ी इधर लगाता है, मैं आपके लिए लाइट लेके चलती, बताओ। थैंक यू। और हस्बैंड मतलब उसका ड्राइवर ही नहीं है, ठंड लग रहा है, वो गाड़ी लगा हुआ, वो हस्बैंड हॉर्न दिए जा रहे वो सुन ही नहीं रहा है, फैमिली बैठा हुआ है और ड्राइवर नहीं है, तभी वो आगे करेगा तभी गाड़ी पार्क हो पाएगा, तो ऐसा है। अभी हस्बैंड उसी में लगे हुए, हम लोग तो नीचे आ गए। चलो हम चलते हैं क्योंकि खाना भी बनाना है अभी जाकर। और आकर आपी यहाँ पे खाना बनाने लगी, तो खाना पीना हो गया है। हस्बैंड को बहुत मिन्नतें करने के बाद वो रुक गए, और वैसे वो सुबह चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ। इतना कस के कौन मारता है? महिलाने उपाय करो, बहुत मच्छर काटता है। कौन मारता है इतना कस के ये बताओ? जानू।